आज पार्ले जी बिस्किट से बनाएंगे चॉकलेट बॉल्स। बनाने में बहुत आसान है और खाने में एकदम टेस्टी। इन्हें एक महीने तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इन चॉकलेट्स को रैप करके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को गिफ्ट भी किया जा सकता है। इस वीडियो में हम दो तरह से चॉकलेट बॉल्स बनाना सीखेंगे। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं हूँ वर्षा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पार्ले जी बिस्किट का जो बड़ा वाला पैकेट आता है उसमें से दो पैकेट बिस्किट हैं। पार्ले जी की जगह ओरियो या किसी भी ब्रांड के बिस्किट ले सकते हैं। यहाँ पर टोटल 32 बिस्किट्स यूज़ किए हैं। पीस कर इनका पाउडर बना लेंगे। फाइन पाउडर तैयार करना है। अगर बिस्किट के पीसेस रहेंगे तो बॉल्स बनाने में प्रॉब्लम होगी। इन्हें छान लेंगे। छन्नी पर जो बिस्किट के बड़े बड़े पीसेस हैं इन्हें वापस पीस कर छाने। अब इस बिस्किट के पाउडर को दो बराबर हिस्सों में बांट लेंगे, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था। इस वीडियो में चॉकलेट बॉल्स की दो रेसिपी बताई जाएंगी। तो फर्स्ट रेसिपी है ये, बिस्किट पाउडर में 2.5 यानी कि 2.5 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं। सारा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालिए। अगर कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो भी चॉकलेट बॉल्स बना सकते हैं। कैसे, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। सेकेंड रेसिपी में बिना कंडेंस्ड मिल्क का यूज किए चॉकलेट बॉल्स बनाकर दिखाई है। कंडेंस्ड मिल्क के साथ ही डालेंगे 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून दूध, दूध इस वक्त रूम टेम्परेचर पर है, इसे भी मिक्स कर लेंगे। दिखने में ये गूंधे हुए आटे की तरह दिखेगा, ये सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आटा टाइट होगा तो बॉल्स में क्रैक आ सकते हैं। बॉल्स बनाते समय अगर आपको लगता है कि आटा हाथ से चिपक रहा है तो इस कंडीशन में आप हाथों में हल्का सा देसी घी या नारियल तेल लगा सकते हैं। इसी तरह सभी बॉल्स बना लेंगे। टेक्सचर में बिल्कुल स्मूथ है। इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रखिए। चलिए जब तक बॉल्स ठंडी होंगी बिना कंडेंस्ड मिल्क वाली रेसिपी भी सीख लेते हैं। इसके लिए बोल में लेंगे बचा हुआ बिस्किट पाउडर, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर। चीनी को पीस कर पाउडर बनाया वही यूज की है। 1 टेबल स्पून घर की मलाई, या फिर आप इसकी जगह मार्केट वाली फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून दूध मिलाकर इसे भी आटे की तरह गूंद लेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट वाली रेसिपी में किया। फ्रिज में से बॉल्स को निकाल लिया है, ये ठंडी हो चुकी हैं। अब इस आटे से भी मीडियम साइज की बॉल्स बनाकर तैयार करना है। ये देखिए दोनों बॉल्स में कोई भी अंतर नहीं है। मैंने आपको दो रेसिपी बताई ताकि जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं उन्हीं का यूज करके आसानी से बना सकें। इन बॉल्स को भी 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रखिए। 100 ग्राम चॉकलेट ली है, इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसमें डालिए 1 चम्मच नारियल तेल या बटर। मैंने नारियल तेल लिया है, सर्दियां हैं इसीलिए जमा हुआ है। भगोनी में थोड़ा पानी है, गैस मीडियम फ्लेम पर है, पानी में उबाल आने दें। इसके ऊपर चॉकलेट वाला बोल रखिए। चॉकलेट को आप जितने छोटे पीसेस में काटेंगे उतने जल्दी ये मेल्ट होगी। यहाँ पर आप चाहें तो डेरी मिल्क या अपनी फेवरेट चॉकलेट का यूज भी कर सकते हैं। लगातार चम्मच चलाते रहिए, धीरे धीरे चॉकलेट मेल्ट होगी। चॉकलेट सही से मेल्ट हुई है, इसमें चॉकलेट के पीसेस नहीं है। अब मैंने चॉकलेट को भगोनी से हटा दिया है, लेकिन अभी भी आप चम्मच चलाते रहिए, चॉकलेट बहुत ज्यादा गर्म है। डेकोरेशन के लिए सिल्वर बॉल्स, कलर्ड वर्मेसिली, टूटी फ्रूटी या इवन चॉकलेट चिप्स भी ले सकते हैं। अगर ये सब घर में नहीं है तो इनके बिना भी चॉकलेट बॉल्स को डेकोरेट किया जा सकता है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, वीडियो को फॉलो करते रहिए। प्लेट पर बटर पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल रखिए ताकि चॉकलेट सेट होने के बाद आसानी से निकल जाए। तैयार बॉल्स को मेल्ट की हुई चॉकलेट में डिप करना है। चॉकलेट बॉल्स को उठाने के लिए कांटे वाली चम्मच यानी कि फॉर्क का यूज किया है ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट नीचे बोल में निकल जाए। इसे प्लेट में रखिए, क्योंकि बॉल्स को हमने फ्रिज में रखा था तो ये ठंडी है, इन पर चॉकलेट जल्दी सेट होगी। इसी तरह सभी बॉल्स को चॉकलेट से कोट करना है। अगर डेकोरेशन के लिए कुछ लगाना चाहते हैं तो चॉकलेट सेट हो उससे पहले लगा दें, जैसे कि सिल्वर बॉल्स, टूटी फ्रूटी। एक बार चॉकलेट सेट हुई
फिर आप इस पर कुछ भी नहीं चिपका सकते, डेकोरेट करने में प्रॉब्लम होगी। 5 मिनट के लिए इन्हें रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए। चॉकलेट सेट हो चुकी हैं। एक्स्ट्रा चॉकलेट को हाथ से तोड़कर हटा देंगे। जिन चॉकलेट्स को हमने डेकोरेट किया है उन्हें साइड में रख देंगे और बिना डेकोरेट की वाली चॉकलेट को एक अलग साइड में हटाइए। कांटे वाली चम्मच की मदद से मेल्ट की हुई चॉकलेट को वीडियो में दिखाए गए तरीके से ड्रिजल कीजिए। 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। ये भी सेट हो जाएंगी। पार्ले जी बिस्किट से चॉकलेट बॉल्स बनकर तैयार हैं। किसी की बर्थडे पार्टी हो या फिर इन्हें गिफ्ट करने के लिए ज़रूर बनाइए। काट कर देखें तो अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से क्रंची। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।